अच्छा पूर्वी सुन, प्रेजेंटेशन की फाइल मुझे फॉरवर्ड कर दे, मैं ऐड कर देता। पूर्वी तो फाइल फॉरवर्ड कर रही है ना? मानव कितना काम करेंगे आप लोग, चलिए ना, बहुत हो गया। अरे अर्चना, ये कल का प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है। आप दोनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं ना मानव, बाहर सबका खाना हो गया, बस आप दोनों ही बचे। चलिए ना बाहर खाना खा लीजिए। और फिर भी मैंने परी को भी दूध पिला दिया, वो सो गई। मानव आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए और चलिए खाना खाने। ठीक है, मैं भी आ। पूर्वी क्या बात है, तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत वगैरह सब सही है ना? हाँ आई, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है तू झूठ बोल रही है, अब मुझे बता सच सच क्या हुआ है। कहीं तेरे और अर्जुन के बीच ये क्या हुआ? तू रो क्यों रही है इस तरह? मुझे बता ना क्या हुआ है। तू अरे अर्जुन अभी भी मुझसे नाराज है, वो आज कनाडा किसी प्रोजेक्ट के लिए गए और वो चाहते थे कि मुझे भी लेके जाए, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों तूने मना किया? हाय मैं चली जाती तो यहाँ बाबा की मदद कौन करता? अच्छा तू मुझे बता, मैंने कुछ गलत किया क्या? देख पूर्वी, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि शादी के बाद लड़की के रिश्तों के मायने बदल जाते हैं। जहाँ पिता होते हैं वो जगह पति ही ले लेता है। इसलिए मानव के बारे में न सोच के पहले तुझे अर्जुन के बारे में सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मानव की वजह से तेरी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो। तुझे अर्जुन को समझना होगा, तुझे उसकी फीलिंग्स जाननी होगी। तू एक काम कर, तू ना कनाडा चली जा उसके पास, वहां तुम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। इसलिए तू जा वहां और उसे मना कर लेकर आ। मैं चाहती हूँ कि सचिन की शादी में तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से आओ। मैं नहीं चाहती पूर्वी कि 20 साल पहले जो गलतियां मैंने की थी वो तुम दोनों करो। एक दूसरे को वक्त देना बहुत जरूरी है, इस चीज को अपने हाथ से मत जाने। जा कनाडा, तू परी की चिंता बिल्कुल मत, मैं हूं ना उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। तू अर्जुन को बस मना के ले आ। अभी चल खाना खाने। जी आप कब तक यहां बैठी रहेंगी? मेरी बात मानिए, आप घर चलिए, घर चल के सोच लेंगे क्या करना है। हेलो, मुंबई की अगली फ्लाइट कितने बजे? थैंक यू रघु, तुम प्लीज हमें एयरपोर्ट छोड़ दो। ये मुंबई ये सब क्या? हमारी बुआ जी वहां रहती है, हम उनके पास चले जाएंगे, हम वहीं रहेंगे रघु। बुआ? लेकिन बीबी जी, मालिक से ये खबर सुन के वो आई क्यों नहीं फिर? जसवंत भैया ने उन्हें बताया नहीं होगा। लेकिन बेबी जी, मुंबई इतनी दूर, आप घर चलिए ना। आपको वहां कोई परेशानी नहीं? रघु, हम तुम्हारी फैमिली को और परेशान नहीं करना चाहते, हम उन्हें और डिस्टर्ब नहीं कर सकते। रघु बेबी जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लीज हमें एयरपोर्ट छोड़ दो, हमने कहा ना। ठीक है बेबी, लेकिन फिर मैं भी आपके साथ मुंबई आऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बेबी जी, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती।
अभी अरे तेरी बात हो रही थी अभी पता है मैंने तेरा नाम लिया और तू आ गई परी अरे मैं तो परी को तेरे पास छोड़ने आई हूँ ये पका अच्छा 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 मेरे पास अरे ले तेल इसकी मालिश इससे ही करना ठीक है इससे क्या होता है खास तेल है थेचू ये डाबर लाल तेल है ये 100% आयुर्वेदिक बेबी मसाज तेल है तुझे नहीं पता इसमें गुणकारी आयुर्वेदिक हर्ब्स है इसकी रेगुलर मालिश से मेरी परी के शरीर का विकास दुगनी तेजी से होगा और इसकी मसल्स और इसकी बोन्स और ज्यादा स्ट्रांग बनेगी ओके परी की आयु होने के नाते सही चॉइस करना तो जरूरी है ना और फिर डाबर लाल तेल तो क्लिनिकली प्रूवन भी है चलो ये लो पकड़ो इसे ओ चलो पूर्वी तू यहाँ हाँ वो मैं परी को तुम लोगों के पास छोड़ने आई थी अच्छा हाँ तेरी वो मीटिंग थी ना तुझे वहां जाना होगा तू जा आई मैं उस मीटिंग के लिए नहीं जा रही हूँ क्यों क्या हुआ सब ठीक तो है ना आई मैं जरा 2-3 दिन के लिए कनाडा जा रही हूँ अर्जुन के पास इसीलिए परी को तुम लोगों के पास छोड़ने आई थी अब तो मैं अर्जुन को वापस लेकर ही आऊंगी मुझे सच्चू दादा की शादी में अर्जुन के साथ ही आना है अच्छा तो तूने मेरी बात मान ही ली ना आई एक बार मैं अर्जुन को ऑलरेडी खो चुकी हूँ तब तेरी और बाबा की कोशिशों ने और पापा ने हम दोनों को वापस मिला है लेकिन अब मैं अर्जुन को नहीं खोना चाहती मुझे मुझे हर हाल में अपनी शादी को कामयाब बनाना है और आई एक और बात बाबा को मीटिंग के लिए मना करने की हिम्मत मुझ में नहीं तू उनकी चिंता मत कर मैं उन्हें बता भी दूंगी और समझा भी दूंगी तू बस जा अर्जुन से मिल और उसे मना और जो भी तूने फैसला लिया है ना मुझे उस पे नाज थैंक यू आई थैंक यू सो मच तेरी इस हाँ ने मेरी हिम्मत और बढ़ा दी जल्दी आना बाय मैं आ रही हूँ अर्जुन हम दोनों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना मैं सब आके ठीक कर दूँ आज फिर से एक बार मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती Excuse me, जरा जाने दीजिए Excuse me. ऑनर पूर्वी तुम यहाँ पर कहाँ जा रही हो हाँ वो मैं एक्चुअली कनाडा जा रही हूँ किसी काम से तुम यहाँ क्या कर रहे हो अरे मैं भी तो कनाडा जा रहा हूँ क्या हाँ एक सर्जरी के सिलसिले में ओके चलो अच्छा है तुम साथ में हो वरना ये सफर बहुत ही बोरिंग हो जाता आई नो अर्जुन कहाँ है वो भी चल रहा होगा ना साथ में अब एक सेकंड तुम्हारे कहने का मतलब है वो ऑलरेडी निकल चुकी है हाँ मानव अब तक पूर्वी ने एक बेटी होने का फर्ज निभाया अब बारी अर्जुन की मानव पूर्वी को अपने अपने पति की तरफ भी कुछ ऐसे फर्ज जो उसे निभाने होंगे वो आपके साथ काम तो कर रही थी लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल अर्जुन के साथ था अर्चना तो फिर उसने क्यों क्योंकि मानव वो आपको भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी ना आप उसके बाबा है वो चाहती थी आपकी मदद करे लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस वजह से शायद कहीं ना कहीं अर्जुन बहुत हर्ट हुआ है मुझे नहीं पता कि मतलब अर्जुन सही है या गलत है मानव लेकिन इतना जरूर पता है कि पूर्वी उससे प्यार करती है और प्यार में क्या सही है क्या गलत है हम ये नहीं देखते ना मानव अब पूर्वी की अपनी गृहस्थी है उसकी गृहस्थी को उसको ही आगे बढ़ाना है तो उसे वो तो देखना ही होगा ना और जहां तक हमारी बात है मानव हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए मानव कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना तो उनकी जिम्मेदारियां बदल जाती है वैसे ही पूर्वी की बदल गई आप नाराज है मानव देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए ना मानव आप ही हमेशा कहते हैं ना कि काम से पहले हमेशा रिश्ते होते हैं है ना हाँ और जो मैं कहता हूं मैं उसे मानता भी और अर्चना हमारी बेटी ने जो फैसला किया बिल्कुल सही किया और एक माँ बाप होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी बेटी के सही फैसलों में उसका साथ दें अर्चना अगर बिजनेस की वजह से अर्जुन पूर्वी की शादीशुदा जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स आए या कुछ भी हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा पूर्वी ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया चलो मैं चलता हूँ देर हो रही है ख्याल रख
लगता है कोई घर में नहीं है, अब क्या करें? बेबी जी अब दो मिनट रुकिए, मैं उनसे पूछ के आता हूं। बेबी जी क्या हुआ? आपकी बुआ तो लंदन गई है एक महीने के लिए अपने अपने बेटे से मिलने। आइए बेबी जी। गलती हमारी है, हमें आने से पहले बुआ जी को फोन कर लेना चाहिए था, पता नहीं अब कहाँ जाएंगे। बेबी जी अब आपके कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार है यहाँ पे? नहीं। रघु हमें बहुत प्यास लगी है। जी जी बेबी जी अभी लेके आता हूँ, आप यहाँ रुकिए। जी एक एक मिनरल वाटर बॉटल दीजिए। बेबी जी मेरा पर्स नहीं मिल रहा। मतलब? लगता है किसी ने। ओह गॉड रघु अब हम क्या करेंगे? बेबी जी आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूं। बेबी जी माँ की एक सहेली है यहाँ पे इस शहर में, अगर वो मिल गई तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है। ग्रेट डिसीजन, बिल्कुल सही किया तुमने। तुम जाओ, जाकर अर्जुन से मिलो, ही इज अ सेंसिबल गाय, वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। ये उम्मीद लेकर तो जा रही हूँ मैं, और मानव बाबा और डीके सर के बीच में ये। देखो मानव बाबा और डीके अंकल के बीच में जो कुछ भी हुआ दैट्स वेरी पेनफुल, लेकिन हाँ जो तुम एफर्ट ले रही हो उस वजह से ना सिर्फ तुम्हारा रिलेशनशिप बचेगा बल्कि उनकी दोस्ती भी बचेगी। हाँ बस अर्जुन को इस मामले में तुम्हारा साथ देना चाहिए। पूरी तुम जानती हो ये शादी का जो रिश्ता होता है ना ये बहुत ही नाजुक होता है, और इनके बीच में कभी कोई दरार आती है ना तो फिर सिर्फ उन पर नहीं उनकी गृहस्थी पर और बाकी के घर वालों पर भी असर पड़ता है। अगर दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर ये कभी प्रॉब्लम नहीं आती, दोनों एक दूसरे के साथ बैठ कर सॉल्व कर लेते। देखो पूर्वी तुम्हें ये सब बातें बताने का कुछ मतलब तो नहीं बनता, बिकॉज तुम्हारा ऑलरेडी इतना अच्छा रिलेशनशिप रहा है, शुरू से तुम अर्जुन से प्यार करती आई हो, एंड यू ऑल हैव हैड सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड ब्यूटीफुल जर्नी। ऑनर तुम शायद सही कह रहे हो, तुम्हें पता है आजकल हमारे कितने झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पे इतने झगड़े हो जाते हैं और फिर वो बहुत बड़े हो जाते हैं। प्यार झगड़े के बगैर अधूरा होता है, ये शादी होती ना पूरी ये जिंदगी भर का रिश्ता होता है, और तुम सोचो कि इसमें दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज, दो डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट तरह की सोच एक साथ में आ जाते हैं एक साथ रहने के लिए, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में झगड़ा तो होगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, नहीं प्यार डेफिनेटली करते हैं, इसलिए झगड़े को साइड में रखते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं। इसी तरह से अर्जुन और तुम्हारे बीच में भले कितना बड़ा झगड़ा हुआ बट एक सर्टन लेवल के बाद तुम ये जरूर सोचोगे कि इन झगड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा मेरा प्यार है, और अभी भी तुम यही सोच रहे हो राइट? सी प्यार में कितनी ताकत होती है। थैंक्स ऑनर, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं कितना लकी फील करती हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अरे रघु तुम
तुम यहाँ अचानक? नमस्ते मानव, ये लता जी का बेटा है रघु। रघु कैसे हो तुम और लता जी कैसी हैं? जी वो ठीक हैं, आपको बहुत याद करती हैं। याद तो मैं भी उन्हें बहुत करती हूँ। अच्छा तुम इतनी रात को यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? और मुझे पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो ये? जी ये मेरी पत्नी शिवानी। बहुत प्यारी है और बहुत सुंदर भी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनाए रखे और इसी तरह खुश रहना हमेशा। मैं भी कितनी पागल, तुम दोनों को यहीं खड़ा करके रखा। तुम लोग बैठो, मानव आप प्लीज इनसे बात कीजिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बैठो। अरे हाँ हाँ आओ अंदर आओ। ये लो चाय लो। रघु तुम्हें पता है तुम बहुत ही अच्छे टाइम पर आए हो, कल है ना सचिन की शादी है। और अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम यहाँ रुकने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम में फंस गए। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? जी इनके दादाजी गुजर गए, उनकी उनकी डेथ के बाद इनके भाई और भाभी ने कोई विल दिखा के इन्हें घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए हमें मुंबई आना पड़ा। और यहाँ पे इनकी जो बुआ है वो एक महीने के लिए लंदन गई। ओ, तो ये प्रॉब्लम? तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा सचिन लॉयर है, इस केस में वो तुम्हारी मदद करेगा। पापा मुझे ये फ्रॉड केस लगता है, अगर हमें किसी तरह वो ओरिजिनल विल मिल जाए तो रघु केस जीत सकता है, लेकिन उससे पहले हमें बुआ जी को ढूंढना होगा। तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, टेंशन मत लेना बिल्कुल। जी हमें वापस जाना होगा, बात यह है कि हमारे पैसे चोरी हो गए, इसलिए हमें आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी। अर्जुन मुझे यहाँ देखेगा तो खुशी से पागल हो जाएंगे, एक मिनट में सारा गुस्सा उसका सब भूल जाएंगे। यस मैम। मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर है, मैं मिसेस पूर्वी किर्लोस्कर हूँ, इंडिया से उनसे मिलने आई हूँ। पर मैम अर्जुन सर तो ओवी मैम के साथ हॉस्पिटल गए हुए हैं। हॉस्पिटल गए हैं? आप मुझे वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं? सेंट पीटर मेडिकल हॉस्पिटल। ठीक है, थैंक यू। ये लो। शिवानी तुम बिल्कुल अच्छे से नहीं खा रही हो खाना, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो? दरअसल आप सबका इतना प्यार देखकर हमें अपने दादू की याद आ गई, एक वही थे जो हमसे इतना प्यार करते थे, हमारा इतना ख्याल रखते थे। और रघु वो भी तो है ना तुम्हारे साथ, शिवानी वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, तुम्हें समझता है, वो चाहता है कि वो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करे। और पत्नी को क्या चाहिए तुम्हें पता है? जिनके पास ऐसे पति होते हैं ना वो बहुत किस्मत वाले होते हैं, और जब पति का साथ हो ना तो पत्नी हर मुश्किल से लड़ सकती है। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, पति पत्नी का रिश्ता वो पवित्र रिश्ता है जो एक दूसरे को जीने की राह दिखाता है, एक दूसरे को समझने की राह दिखाता है, और इससे बड़ी ताकत कोई और हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ दो लोगों को ही नहीं दो दिलों को भी जोड़ता है। लेकिन तुम्हें अभी ये बातें समझ में नहीं आई, थोड़ा वक्त हो जाएगा ना फिर समझेंगे। अर्चना जी आपकी बातें सुन के लगता है कि आपकी और मानव जी की भी लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज नहीं, मैरिज लव हुआ था, मतलब शादी के बाद प्यार। अर्चना वो
रघु कह रहा है कि आज रात को यहां से निकलना चाहता है। अब तुम ही उसे बात करो। ठीक है मानव, मैं बात करती हूं। तुमने कुछ खाया? खाओ खाओ प्लीज। कहां होंगे अर्जुन और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो हॉस्पिटल में किस लिए आए। दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो नहीं है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, रिसेप्शन पे पूछती हूँ। Yeah, she's completely fine. You can take her home now. Thank you, Shikha. Arjun, thanks kal raat yahan rukne ke liye. Wohi meri responsibility hai. से भाग नहीं सकता। चले। अर्ज ओवी और अर्जुन एक साथ, और वो बच्चा किसका था? ये सब क्या हो रहा है? मुझे अर्जुन से बात करनी होगी। हेलो। हाँ पूर्वी बोलो। अर्जुन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं एक्चुअली एक मीटिंग में हूँ। मैं तुम्हें फोन करूँ? सॉरी। अर्जुन ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अर्जुन तुम्हें लगता है पूर्वी को इस बारे में कुछ बताना चाहिए? ऑफ कोर्स बताना चाहिए। मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेगी। ये सच उसके सामने तब आ जाना चाहिए था जब इसका सही समय था, और अब और मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। हम जस्ट अर्जुन मेरे ख्याल से तुम कुछ मत ही बताओ। तुम वापस इंडिया चले जाओ। तुम्हारी लाइफ जैसे चल रही है सब वैसे ही चलने दो। मैं इस बच्ची को अकेले संभाल लूंगी। तुम्हें ये सब मजाक लगता है ना ओवी, कि मैं इंडिया वापस चला जाऊं, तुम्हारी जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलने दोगी? कब तक छुपाती रहोगी इसे सबसे? और पूर्वी मेरी पत्नी है, उसका सच जानना बहुत जरूरी है ओवी। और ये बात उसे तब पता चल जानी चाहिए थी जब इस सच का सही समय था, जो तुमने नहीं बताया। अब मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे बताऊंगा ओवी, बट उसे बताना जरूरी है। अच्छा ये हैं पैसे, और ये मेरा कार्ड। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक कॉल कर देना। आई विल बी देयर टू हेल्प। थैंक्स अंकल। मैं घर पहुंचते आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं रघु, पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर कभी भी मैं आपके किसी काम आ सका तो मेरे लिए खुशी होगी। जरूरत पड़ने पे हक से आवाज दीजिएगा प्लीज। तुम एक काम जरूर कर सकते हो। कल हमारे बेटे सचिन की शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों वहां आओ। तो तुम आओगे ना? जी हमें जाना होगा, पर सचिन आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। कांग्रेचुलेशन सचिन, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। तुम्हें भी शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये लीजिए मिठाइयां आप लोगों। अरे इसकी क्या जरूरत थी? शादी का गिफ्ट समझ के रख लीजिए। अर्चना जी आप सबसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। सच में आप जैसे परिवार हमने आज तक नहीं देखा। आप सब में कितना प्यार है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और इतने अमीर होने के बावजूद आप आम लोगों की तरह यहाँ चौल में रहते हैं। इतनी सिंप्लिसिटी और इतना डाउन टू अर्थ नेचर, इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ आकर हमने एक और बहुत अहम चीज सीखी है, खुश रहने के लिए पैसों की नहीं बल्कि प्यार और रिश्तों की जरूरत होती है।
आई विश आप सब लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें। हम लोग चलते हैं। चलिए आप दोनों अपना ख्याल रखना और जैसे मानव ने कहा कभी भी जरूरत हो प्लीज हमें फोन करना। चलते हैं। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर रानी बोलिए। आपका बेटा सोहम जेल से फरार हो चुका है। क्या क्या हुआ मानव? इंस्पेक्टर रानी का फोन। सोहम जेल से भाग गया। वो जो अभी अभी लेडी गई जिनके हाथ में बच्चा था उनका नाम बता सकते हैं? एक्सक्यूज मी आप मिस देशमुख के बारे में पूछ रही हैं? जी। वो तो कल रात से यहाँ थी। उनकी बेटी की तबीयत को लेकर कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो उसका चेकअप कराने उसे यहाँ हॉस्पिटल ले आए। वो बच्ची ओवी की थी? हाँ इनफैक्ट 7th month में उनकी डिलीवरी हो गई थी। बेबी प्री मेच्योर होने की वजह से उसको 2 महीने इनक्यूबेटर में रखा और मिस देशमुख उसको 2 दिन पहले ही लेके गई हैं और कल रात ये प्रॉब्लम आ गया। अच्छा डॉक्टर क्या आप मुझे उस बच्ची के पेरेंट्स ओवी और उनके उस बच्ची के फादर का नाम? आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज इट्स अगेंस्ट आवर पॉलिसी। मैम लेकिन मैं ओवी की सिस्टर हूँ आप मुझे बता आप चाहे जो भी हो। इनफैक्ट मैंने आपको इतना बता दिया मुझे ये भी करने की इजाजत नहीं है। It's against the policy. I'm very sorry. लेकिन मैम तो सब बोले पूर्वी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो अर्जुन से मिलने वाली थी जाके। क्या हुआ पूर्वी तुम परेशान लग रही हो? What happened? मैंने अभी अभी ओवी को देखा यहाँ उसकी बच्ची के साथ। तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अर्जुन की लॉयल्टी पे शक कर रही हो? अरे अर्जुन एक लॉयल इंसान है। तुम प्लीज अनिल चाहती तो मैं भी नहीं हूँ कि ये सब जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो सब सच हो। लेकिन अर्जुन ने मुझे झूठ कहा। ओवी ने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि उसकी एक बच्ची है और इस वक्त वो दोनों कनाडा में मौजूद। अनिल मैं नहीं चाहती कि ये सब सच हो लेकिन मुझे जानना है कि सच्चाई क्या है। मुझे मेरे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। नहीं पता कि मैं किससे मदद मांगू लेकिन अरे प्लीज मेरी हेल्प करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बोलूं लेकिन मैं कैसे मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मैंने अभी अभी डॉक्टर से जानने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तुम तो इस हॉस्पिटल से कनेक्टेड हो ना प्लीज तुम जाके चेक करो ना। भी ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालना अनएथिकल होगा। मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ रही हूँ लेकिन प्लीज लास्ट टाइम मेरे लिए कुछ कर दो। मेरी जिंदगी मेरी गृहस्थी का सवाल है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ठीक है रिलैक्स मैम मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड रुको। हाय हाउ आर यू? The file that I had given you yesterday, can you give me that? Thank you.
किर्लोस्कर फादर अर्जुन किर्लोस्कर मदर होवी गौरी अब तू सो जा देख तू बिल्कुल चिंता मत कर वो लड़का तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुझे मुझ पे भरोसा है ना तो बस सो जा देख सब लोग सो गए कल तो तेरी शादी है तुझे दिन भर भाग दौड़ करनी फिर थक जाएगी तो आ जा लेट जा गौरी मत सोच सो जा यही हुआ तो सब ठीक हो ही गया ना मुझे पता था कि तू अर्जुन को मना ही लेगी तूने इसे मना लिया ना उसे रूठा हुआ तो देख ही नहीं सकती तुम लोग एक काम करो जल्दी से इंडिया जाओ सचिन की शादी है कल और तुम दोनों ही यहाँ पर नहीं जल्दी से आना ठीक है क्या हुआ तू रो क्यों रही है पूरी तो अर्जुन और तेरे बीच फिर से कुछ हुआ क्या देख मुझे बता तो सही तो शांत हो जा पहले मुझे अच्छे से बता क्या हुआ है तेरे अर्जुन के बीच मैं तुझे एक दो मिनट पे फोन करती हूँ गौरी मुंबई में बहुत मशहूर होता है ये खाली जी रवि जी आप फिर से वही सारी बातें सोच के परेशान हो रही है ना नहीं रघु तो ये सोच रहे हैं कि कितना फर्क होता है इंसान इंसान में यहां तुम इतने सालों बाद मानव जी और अर्चना जी की फैमिली से मिले और उन्होंने कितने प्यार से हमारा स्वागत किया बल्कि यही नहीं हमारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करी इतनी अजीब बात है ना यहां परायों ने हमें अपनों जैसा प्यार दिया हाँ तो हमारे अपने ही सगे भाई ने हमसे रवि जी आप ये सब बातें सोच के परेशान मत हो सब ठीक हो जाए लीजिए आप बड़ा पाव खाइए लीजिए ना खा लीजिए रवि जी मैं सोच रहा था कि मैं एक बार डॉक्टर साहब से बात कर लेता हूं हाँ रघु डॉक्टर अंकल हमारी जरूर मदद करेंगे प्लीज उन्हें फोन कर लो एक बार रवि जी क्या हुआ
रघु बहुत स्पाइसी है, बहुत ज्यादा मिर्ची है इसमें तो। एक मिनट ये लीजिए पानी पीजिए। थैंक्स रघु। बार बार उनका फोन आउट ऑफ रीच जा रहा है। वो ठीक तो है ना, वो दादू के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए और अब उनका फोन भी नहीं मिल रहा है। कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है रघु? विजी मुझे खुद समझ में नहीं आया। खैर जोधपुर जाके सबसे पहले डॉक्टर साहब से मिलके पता करेंगे बात क्या है। ये सब क्या है? तुम तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। जबरदस्ती नहीं करो तो क्या करे? और चारा का चला तूने हमारे लिए? कब से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम तोरा से प्यार करते हैं। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। बहुत शादी होती है बिना प्यार। आज एक तो और होगी, कौन देखते हैं कौन माइकला हमरे को तोरे से जुदा करते। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे? तो हम भी देखते तू शादी कैसे नहीं करेगी। हे पंडित, हमारा मुंह का ही ताक रहा है बे, चल मंत्र पढ़। नहीं आएगा सोहम गौरी को छोड़ दे, वो तेरे से शादी नहीं करना चाहती, तू उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे शादी कर सकता है? कल भी आगे नहीं आएगा, पिकअप फोन कर कहीं वरना। आज तुम लोगों तो कहा अगर भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाएगा ना तो तुम्हें जुदा नहीं कर सकता हमरे को इसे। इसलिए कह रहे हैं भाई खड़े खड़े आशीर्वाद दे दीजिए हमरे को। अर्चना जी कुछ कीजिए ना, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। आपने कहा था ना मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, आपके आंख के सामने वो जबरदस्ती शादी कर रहा है। आगे मत बढ़। इस वक्त इसके सर पर खून सवार है, कुछ भी कर सकता हूँ, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया मैंने, किसी भी वक्त आती हूँ वही इससे निपटेगी। आज गौरी को हमने से कोई अलग नहीं कर सकता। उसे छोड़ सो प्लीज। और पढ़ाना बंद कर, आज तोरे को हमने से कोई जुदा नहीं कर सकता, समझी? तो मैं तुझसे प्यार नहीं करती और ना कभी करेगी, तो उसे क्यों? ए देशमुख, कि प्यार प्यार का पाठ मत सिखा हमरे को, हम इसे प्यार करते उतना काफी है हमरे लिए। आज हम गौरी के साथ शादी करके ही दिखाएंगे तुम लोगों को। वो मुझे छोड़ दो, कुछ कीजिए ना मानव। हाँ ऑनर बोलो। अर्जुन तुम्हें पता है पूर्वी कनाडा आई है? पूर्वी? पूर्वी यहां पर है? हाँ, बहुत सोचकर आई थी यहाँ पर, तुमसे मिलकर तुम्हारी नाराजगी दूर करना चाहती थी, तुम्हें समझा बुझा कर मना कर वापस इंडिया लेकर जाना चाहती थी। वो तुम्हें बिना बताए आई क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और बदले में तुमने उसको सरप्राइज दे दी। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अर्जुन वो भी सारा सच जान चुकी है तुम्हारे और ओवी के बच्चे के बारे में। वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, शी इज इन मेंटल ट्रॉमा। और बेहतर यही होगा कि तुम यहां पर आके उससे बात करो और सारे डिफरेंसेस सॉल्व करो। डॉक्टर वो पूर्वी अपने वार्ड में नहीं है। व्हाट? मैंने तुमसे कहा था उसके साथ रहने के लिए, कम। Oh!
पूरी पूरी सिस्टर ओटी में फोन करके सच से बोला जल्दी शी इज प्रेग्नेंट हमें से ऑपरेट करना पड़ेगा जल्दी जाओ गो फास्ट पूरी 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 सब गाड़ी को छोड़ दो तुम ऐसा ही नहीं कर रहे हो इसका अंजाम बुरा होगा सब सारे रास्ते बंद है लाला पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है मैं आपको पुलिस के हवाले कर दे बचकर नहीं जा सकता आगे बढ़ जा एक एक को मार के रख देंगे जाओ गाड़ी को छोड़ दे तुम मानो कुछ बोलिए ना छोड़ लड़की को सोम कौन आगे नहीं आएगा एक बहुत पछताएगा एक विष्णु गाड़ी को छोड़ दे प्लीज तो रुक जा विष्णु सरेंडर कर दे विष्णु अच्छा तू कभी अच्छा बेटा नहीं बन पाया ना तूने कभी किसी रिश्ते का सम्मान किया लेकिन मैंने तुझे कभी हार नहीं दी सर लेकिन आज मैं तुझे हार देती हूँ इकाई तुझे श्राप देती हूँ सोम कि तू कभी खुश नहीं रह पाएगा अपनी जिंदगी में